हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग अमल के गुणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब अमल के दो गुण, जिनरली भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दोनों के बारे में बारी बारी करके बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखते हैं कि अमल के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है अमल के भौतिक गुण, ठीक है। हर कोई पदार्थ का अपने एक गुण होता है, जनरली एक दो प्रकृति के आधार पे होता है, एक भौतिक के आधार पे, एक रासायनिक के आधार पे। अब पिछले क्लास में आप लोग अमल के बारे में जान चुके हैं। अमल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है। अमल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, जनरली खट्टा ही होता है अमल का, अम्लीय पदार्थ जो होगा। अब अमल दो प्रकार से हम लोग जान चुके हैं, एक प्रबल अम्ल के बारे में, एक दुर्बल अम्ल होता है ना। प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो HCl, मतलब कह सकते हैं कि जलीय विलयन में घुलकर पूर्णतः H+ आयन देगा, ठीक है। जो कम मात्रा में H+ आयन देगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में जान चुके हैं, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन होता है, करंट पास करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस अम्ल को अगर हम किसी जल में मिला दिया जाए, शुद्ध पानी में मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अम्ल आयनित हो जाएगा H+ में। अगर कोई अम्ल HCl है, ठीक है, अगर कोई अम्ल HCl है तो H+ आयन में आयनित होगा और Cl- में आयन होगा। मतलब कॉमन ये होगा कि जितना भी अम्ल होता है वो जल में घुलकर H+ आयन देगा, ये तो कन्फर्म है। चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो, किसी भी प्रकार का, इनफैक्ट दुर्बल अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल भी जल में घुलकर H+ आयन देगा, और साथ साथ उसका ऋण, अगर HCl है तो Cl- देगा, SO42- देगा, NO3- देगा, इस तरह से देता है, ठीक है। ऋणायन भी देता है, धनायन भी देता है। तो ये आयन जल में अकेले नहीं होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर अकेले नहीं होते हैं, बल्कि जल के अणु के साथ मिलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। इसी हाइड्रोनियम आयन जो धन आवेश का काम करेगा और माइनस ऋण आवेश का काम करेगा, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा उस पानी से होकर, ठीक है। तो ये सब बेसिक था। अब हम जानते हैं कि अमल के भौतिक गुण क्या है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, अमल के भौतिक गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। आप लोग जान चुके हैं कौन सा किस में कौन सा पर अम्ल पाया जाता है, जैसे इमली खट्टा है, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की वजह से इमली का खट्टापन होता है। वही हम बात करेंगे दूध दही, दही खट्टा होता है, तो उसमें पाया जाता है क्या, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब दुर्बल अम्ल हो गए, नींबू में हो गया, संतरा में हो गया, सब लैक्टिक अम्ल हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, आंवला में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कौन से पदार्थ में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। वो सारे के सारे अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। एसिडिक अम्ल हो गया, यहाँ तक कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सारे अम्ल स्वाद में खट्टा इसका टेस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इसको प्रयोग कर नहीं सकते, स्वाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं कि जो प्रबल अम्ल है उसका भी हम स्वाद करें, नहीं, ऐसा नहीं, चमड़े को जला देगा, इसका प्रभाव दिखाई देता है बहुत आसान। सेकेंड पॉइंट, अब जितना भी अम्ल होगा वो सारे अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। वैसे हम लोग इसको रासायनिक गुण में जानेंगे, चलो इसको छोड़ते हैं, भौतिक गुण तो ये नहीं होगा। अभिक्रिया का होना एक रासायनिक गुण हुआ, किसी पदार्थ का अभिक्रिया किसी दूसरे पदार्थ के साथ होना वो एक उसका रासायनिक गुणों को दिखाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगा, ठीक है। रासायनिक गुण में हम बात करेंगे, जैसे अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, है ना। अम्ल अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस को अगर डाला जाए तो उसका रंग क्या होगा, लाल हो जाएगा। वो अम्ल के प्रभाव की वजह से होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि अब इससे क्या होता है। बहुत सारे अम्ल रखे होते हैं, अम्ल की प्रकृति हम नहीं जान पा रहे वो किस प्रकार का अम्ल है, उसका नाम है क्या है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, या हो सकता है कि जो अम्ल की प्रकृति है उसके साथ साथ क्षार भी रखा हो, या उदासीन विलयन भी हो सकता है,
किसी प्रकार का अम्ल होगा या क्षार होगा या भस्म कह सकते हैं उदासीन होगा, तीन तरह का विलयन रखा हुआ, उसमें हम एक ऐसे पदार्थ को डालते हैं जिसका रंग बार बार चेंज हो जाता है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग जनरली किसके नाम से जानते हैं, जिसका रंग किसी विलयन में डालने पर अगर बदल गया तो उसको कहते हैं इंडिकेटर, क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है, वो आपका सूचक हो जाएगा, इंडिकेटर हो जाएगा। खैर उसके बारे में हम लोग जानेंगे अलग से, सूचक क्या होता है और कौन से विलयन में किस प्रकार का इसका रंग होता है। फिलहाल जानना यह है कि अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस जो होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है, ये अम्ल के गुण हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, अम्ल संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं, इट मीन्स एक्सप्लोसिव होते हैं, खतरनाक होते हैं। जैसे अम्ल संक्षारक होगा, इसका यूज हम कीटाणुनाशक के रूप में भी करेंगे, है ना, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं या पीड़नाशक के रूप में करते हैं। मतलब है क्या, वो कीटाणुनाशक पीड़नाशक के रूप में करते हैं, मतलब कीटाणु को ख़त्म करने के लिए पीड़न। एक अम्ल है जिसका नाम है फिनॉल, इसका उपयोग किया जाता है कीटाणु को नष्ट करने में, फिनॉल का प्रयोग करते हैं, संक्षारक के रूप में हो गया, ठीक है। जैसे और भी अम्ल है, खनिज लवण की बात करें, खनिज अम्ल की बात करेंगे तो खनिज अम्ल जो होगा आपका, दो तरह का अम्ल होता है, खनिज एक कार्बनिक। तो खनिज अम्ल में हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर चार कर देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, खनिज अम्ल का उपयोग, खनिज अम्ल में आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग करते हैं बैटरी के पानी के रूप में, बैटरी के पानी के रूप में इसका उपयोग करेंगे, है ना। वहीं प्रकार कहेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये उसका उपयोग होता है विस्फोट बनाने में, विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में इस टाइप का यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरी के पानी के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अग्निशामक में भी करते हैं, ठीक है, अग्निशामक यंत्र में करते हैं, आग बुझाने वाली मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, खनिज अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। और HCl हम लोग जानते हैं कि हमारे आमाश में HCl की मदद से भोजन का पाचन होता है, तो ये सारे के सारे खनिज अम्ल का उपयोग कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं सब, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब ये काफ़ी कह सकते हैं H2SO4 स्किन को जला भी सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन, इसको याद रखिएगा, एक भी एक प्रॉपर्टीज है, अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, क्या करेगा, विद्युत का संचालन करेगा, विद्युत को अपने से होकर जाने देगा। इसका रीजन बताना आपको क्यों होता है, कारण बताना क्यों होगा, क्योंकि अम्ल को जैसे ही जल में डाल, अम्ल का पूरा गुण प्रॉपर्टीज होता है वो जलीय विलयन में दिखाई देता है, ठीक है, ये आवाज याद रखिएगा आप लोग कि अम्ल का सारा गुण जल में शो करता है, जल में दिखाई देता है, जल की उपस्थिति में अम्ल का अम्लीय गुण दिखाई देगा, वरना ऐसे नहीं होता है। अब कोई HCl है तो HCl ही रहेगा, एक गैसीय रूप में भी हो सकता है, जैसे इसको हम डाल देते हैं किसमें, किसी जल में डाल देते हैं, तो ये अम्ल जल की उपस्थिति में अपना गुण दिखाएगा, प्रकृति दिखाएगा, कैसा दिखाएगा प्रकृति, इसके अंदर अम्ल डाल दिया HCl, है ना, ये आयनित हो जाएगा जल की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल क्या होता है HCl लाइक अम्ल की उपस्थिति में आयनित हो जाएगा H+Cl-, ठीक है, क्योंकि अंदर में पहले से पानी का मॉलिक्यूल है H2, और उसमें भी H+ आयन जाके क्या हो गया, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिया, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा देखोगे, H+ आयन जो अकेला स्वतंत्र नहीं रहेगा बल्कि H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, H3O+ बनाए, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम इसको धारा प्रवाह करेंगे, इसके लिए एक इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक दो इलेक्ट्रोड होता है, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया, ठीक है, एक को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, इसको मैं साफ से बना देता हूं,
कंटेनर। अमल का सारा गुण किस में शो करेगा, दिखाई देगा? जलीय विलयन में। जल, जलीय विलयन का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ को जल में मिलाते हैं, अगर वो घुल गया, पूरी तरह से मिल गया, तो वो क्या होगा, इसका जलीय विलयन होगा। ठीक है, तो अमल जलीय विलयन में ही अपना गुण को दिखाएगा, प्रवाह को दिखाएगा। दो तरह का इलेक्ट्रोड लिए, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया, नाम पड़ गया एनोड, एक को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, नाम पड़ गया इसका क्या, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर HCl को डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसी भी प्रकार के अम्ल को हम रख सकते हैं, तो बन जाएगा क्या, H प्लस Cl माइनस आयन। मतलब इसके अणु के, पानी के अंदर में H प्लस Cl माइनस आयन पूर्णतः क्या होगा, आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा। बल्कि वो H प्लस अकेला नहीं होगा, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कह सकते हैं जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। मतलब कि इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर में H3O प्लस मौजूद हो चुका है, Cl माइनस तो ऑलरेडी है, H3O प्लस भी है, H3O प्लस भी है। अब दोनों आयन मिलकर H प्लस, H3O प्लस और Cl माइनस, एक दूसरे दोनों आयन ये विद्युत को संचालन करने में मदद करेगा। कैसे करेगा, तो जितने भी हाइड्रोनियम आयन है वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होगा, इनफैक्ट कैथोड पे जाके जमा होगा, जो माइनस वाले है वो प्लस वाले पे, मतलब एनोड पे जाकर जमा होगा। ये लगातार जो प्रवाह होता है ना, इसी वजह से क्या होता है, विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, अब कंप्लीट सर्किट होता है तभी तो करंट फ्लो करता है, तो कंप्लीट सर्किट होने के लिए इसको कम से कम, देखो इस पॉइंट से पहले तो शुद्ध जल है, करंट तो पास होगा नहीं, जैसे ही HCl को मिला दिए आयनित हो गया, ये बन गया Cl माइनस बन गया, अगर HCl हो तो ये दोनों काम क्या करेगा, तार का काम करेगा, कंप्लीट परिपथ को पूरा करने का काम करेगा, जिसकी वजह से करंट पास होगा। इनफैक्ट यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगा देंगे, वो आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है अमल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। ये एक सब क्या है, अमल के एक भौतिक गुण है, आपको याद रखिएगा अमल का भौतिक गुण कौन कौन है, अमल स्वाद में खट्टा होता है, कुछ दो तीन एग्जांपल आप लेके लिख सकते हो। ठीक है, अमल नील लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और भी बहुत सारे सूचक होते हैं, सबका अलग अलग अमली माध्यम में रंग अलग अलग देता है। ठीक है, कोई किसी का प्रभाव दिखाई भी नहीं देता है, कोई ऐसे सूचक भी होते हैं, खैर इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, संचारक अमल संचारक होता है, जैसे उसका उपयोग करते हैं कीटाणुनाशक फिनॉल के रूप में, पीरकनाशक कीटाणु को खत्म करने के रूप में करते हैं ना, अमल के प्रभाव को दूर करना है तो भस्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो सब रासायनिक गुण में हम लोग जानेंगे इसको। खनिज अमल क्या होगा, तो खनिज अमल में जैसे सल्फ्यूरिक अमल हो गया, बैटरी के पानी के रूप में करते हैं, HNO3 विस्फोट बनाने के रूप में करते हैं ना, और तो ये सारे अमल के प्रयोग हो गए। ठीक, साथ साथ देखो अमल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन होता है, तो ये सब अमल के भौतिक गुणों को दर्शाता है। अब हम बात करें रासायनिक गुणों की बात करते हैं, तो अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, पहला पॉइंट, धातु से अभिक्रिया। कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो उसके कंपैरेटिव में क्या क्या नया एक उत्पाद बनेगा देखोगे, चाहे वो HCl हो आपका, ठीक है, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो, किसी भी प्रकार का अम्ल, चाहे वो प्रबल हो या दुर्बल, अम्ल जैसे ही धातु से अभिक्रिया करेगा, लाइक Fe से अभिक्रिया कराया, या हमने जिंक से अभिक्रिया कराया, या हमने एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया, ठीक है, ये कॉपर से अभिक्रिया कराया, किसी प्रकार के अम्ल से धातु से अभिक्रिया करा सकते हैं, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनेगा देखोगे, फिर आयरन HCl से अभिक्रिया करिए, यहाँ HCl का एक विलयन है, जलीय विलयन भी हो सकता है, केवल विलयन भी हो सकता है, इसके अंदर में जैसे ही हमने डाल दिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब इसका प्रभाव देखो कैसे होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में हम पहले इसके अंदर में HCl को डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर में HCl को डाल दिया गया, कोई भी अमल को डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अमल को हमने डाला, अब इसके ऊपर में हम लगा देंगे कॉर्क, उससे पहले हम इसके अंदर में डाल दिया गया क्या, कोई एल्युमिनियम फॉइल डाल देते हैं, या आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं, Fe लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया गया। ठीक है,
ठीक है। अब दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया इसके ऊपर में हम एक कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क, ताकि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ठीक है। इस तरह से कॉर्क लगा दिए, पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ से एक निकास नली निकाल लेंगे, इस निकास नली मतलब इसके अंदर से, अब इसको सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे एक किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बर्तन में डाल देंगे इस तरह से। अब दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि यहाँ से कोई एक नया पदार्थ गैसीय रूप में निकल रहा है, ठीक है, गैसीय रूप में एक नया पदार्थ निकल रहा है। जैसे वो पदार्थ पानी के अंदर जाएगा तो पानी से ऊपर एक बबल्स बन के निकलेगा, ठीक है, बुलबुला बन के निकलेगा, बबल्स बन के निकलेगा। और यहाँ पे आपको एक अलग से मैच बॉक्स से माचिस आग मतलब आग चिंगारी ले जाओगे या मोमबत्ती ले जाओगे तो वो अलग से क्या होगा, एक फ्लेम बनेगा, ज्वाला बनेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी पदार्थ को अम्ल, किसी कोई भी धातु को अम्ल में डालते हैं तो एक नया पदार्थ गैसीय रूप में निकलता है, इस निकास नली से होकर पानी में डालते, जैसे वो नली में पानी में डालेगा तो एक बबल्स बनेगा, बुलबुला बनकर निकलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उसके आसपास जैसे मैच बस मारोगे ना, आग आग जलाओगे तो वो मतलब एक फ्लेम की तरह, चिंगारी की तरह एक फैल जाएगा वो। तो जो नया पदार्थ गैसीय रूप में इसके अंदर जा रहा है उस पदार्थ का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है। मतलब ये समझ में आया कि कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है, साथ साथ उसके एक नया पदार्थ बनाया जाएगा जिसका नाम है लवण, फेरिक क्लोराइड, HCl+Fe, FeCl2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी प्रकार के जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया तो जिंक सल्फेट बना है आपका, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। सेम प्रोसेस में ऐसे ही करेंगे इनके साथ भी तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा, और साथ साथ आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराया जाए तो एक कॉमन गैस जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा गुण देख लेते हैं, अम्ल का दूसरा गुण, ठीक है। दूसरा गुण देखते हैं कि अम्ल धातु के कार्बोनेट, ठीक है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अब हम दूसरा गुण देखते हैं कि क्या हो, अम्ल धातु के कार्बोनेट, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया किसकी, तो अम्ल की, अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। अब देखते हैं क्या नया उत्पाद प्रतिफल बनेगा, उसको देखें, दोनों से, हाइड्रोजन के धातु के कार्बोनेट से, धातु के वाई का हाइड्रोजन कार्बोनेट से। CO3 किसी भी यौगिक में लगा रहेगा तो कार्बोनेट कहलाएगा, लाइक धातु के लिए कैल्शियम CaCO3, ये बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, है ना, एल्युमिनियम कार्बोनेट। इस तरह से धातु के कार्बोनेट होते हैं और बाई कार्बोनेट होते हैं, लाइक मैं बता रहा हूँ एक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये दोनों भी क्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ। तो देखो किस तरह से उत्पाद बनेगा, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, इसको अभिक्रिया करा दे हैं किसके साथ, किसी भी अम्ल के साथ, लाइक हमने HCl से अभिक्रिया करा दिया, ठीक है। दूसरा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से अभिक्रिया कराया किसको,
HCl को कराया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कराया, तो अभिक्रिया के दौरान सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, NaCl बना लेगा, इट मीन्स कि लवण बनाएगा, NaCl से अभिक्रिया करेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर में CO3 में एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक यहाँ का हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मिल जाएगा क्या, H2। दोनों के लिए उत्पाद सेम है, दोनों का प्रतिफल सेम है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, अभिक्रिया कराया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, सोडियम क्लोराइड बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाया है, है ना, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन, तो यहां बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम के साथ ये ऐसा होगा, और भी धातु के साथ ऐसा होगा, किसी भी धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम किसी भी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनेगा, याद रखिएगा क्या बनेगा, लवण बनेगा, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और जल बनेगा, ठीक है। अम्ल के साथ किसी भी प्रकार के अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, धातु के कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ हम जिंक कार्बोनेट की बात करते हैं, ZnCO3 अगर हम कराएंगे इसको अभिक्रिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, तो बन जाएगा आपका लवण क्या, जिंक सल्फेट के साथ मिलकर बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, जो कि एक प्रकार का लवण है, साथ साथ हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा H2O, और इसमें से एक गैस निकलेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी धातु के कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराने पे जो गैस निकलती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, और भी कोई गैस हो सकता है, जैसे H2O हाइड्रोजन गैस हो सकता है, या ऑक्सीजन गैस भी निकल सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताऊंगा, एक प्रयोग बताऊंगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक कंटेनर लेना है, ठीक है, अभिक्रिया जैसे हो रहा है बता रहा हूँ, तो एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, ठीक है, इसके अंदर अभिक्रिया के अनुसार सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसी भी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर अम्ल है पहले से, कौन सा अम्ल है, HCl, हमने मिला दिया क्या, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के दौरान बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं, तली के नीचे आके जमा हो जाएगा, जल बनेगा, विलयन के मतलब पानी के में एक HCl NaCl अलग हो जाएगा, साथ साथ एक गैस निकलेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में ही घुलनशील होगा, पानी में ही NaCl का बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकलेगा, तो इस गैस को निकलने के लिए एक निकास नली निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से एक कॉर्क के सहारे, कॉर्क से पैक कर दिया गया, यहाँ आपका एक निकास नली हो गया, ठीक है, इस तरह से, ये हो गया आपका निकास नली। एक और अलग से एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है ना, प्रोडक्ट नली लिया गया, इसके अंदर में पहले से चूना जल मौजूद है, पहले से ही चूना जल मौजूद है, मान लो इसको रख दिया CaH का होल्ड, चूना जल क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चूना जल, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना होता है, पानी में मिला देंगे क्या होगा, चूना जल बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो ऐसा होगा कि दो पदार्थ है, एक सोडियम का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट लिया आपने, लिया तो अभिक्रिया के दौरान एक गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये गैस इस नली से होकर, निकास नली से होकर प्रवाहित हो जाएगा, अब पहुंच जाएगा किसमें, टेस्ट ट्यूब में, दूसरा वाले टेस्ट ट्यूब में पहुंच जाएगा।
इसके अंदर से पहले से चूना जल होता है जिसका कलरलेस होता है, जिसका रंग पूरी तरह से सफ़ेदी होगा, वैसे इसका रंग सफ़ेद ही होगा लेकिन पूरी तरह से दूरिया नहीं होगा। दूध जैसा रंग होता है ना वाइट, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है चूना जल। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में प्रवाहित हो जाएगा तो इस विलयन का रंग दूधिया हो जाएगा। दूधिया होना इस बात का गवाही दे रहा है कि वो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में चूना जल जो होगा वो पूरा का पूरा दूधिया रंग हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने अभिक्रिया कराया है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आना शुरू हो गया, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O निकल जाएगा। चूना जल अभिक्रिया कराया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा क्या, दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मैं अभिक्रिया में ये बता रहा हूँ, वैसे इस पदार्थ का गुण ये है कि किसी भी धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने की वजह से मैं ऐसा डायग्राम बना के आप दिखा रहा हूँ, प्रयोग करके दिखा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इससे उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि चूना पानी को, चूना जल को दूधिया रंग कर देगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि उस विलयन के अंदर में बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, अघुलनशील पदार्थ होता है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों की उपस्थिति की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट एक नया पदार्थ बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील होगा पानी के नीचे के, मतलब इसमें तो दो पदार्थ बना, एक जल बना है पानी और उसके अंदर में घुला हुआ है, नहीं घुला हुआ नहीं सॉरी, वो अलग है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अलग विक्षेपित हो चुका है, उस विलयन से विक्षेपित हो चुका है। पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से घुला हुआ है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया गया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, पानी अलग कैल्शियम कार्बोनेट अलग, पानी के तली के नीचे आके वो जमा है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा इसको, ठीक है, पानी के तली के नीचे आके। अब क्या होता है कि ये अभिक्रिया बार बार हम करते हैं, रिपीट करते हैं अभिक्रिया को, बार बार करना, जैसे जैसे अभिक्रिया करते रहोगे आप वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, फर्स्ट टाइम में कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया है, और अभिक्रिया को लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते करते क्या होगा कि यही कैल्शियम कार्बोनेट पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बदल जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।